मॉर्निंग क्लास देखिए, विद्युत चालन जो चैप्टर है आपका, उसमें मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था, विद्युत धारा। राइट, क्या होता है विद्युत धारा? होती है आवेश प्रवाह की दर, दर का मतलब अपॉन टी, यानी समय नीचे आएगा। मैं अभी करवा रहा हूँ आपको वृत्तीय पथ में तुल्य धारा कितनी होती है। वृत्तीय पथ का मतलब धारा का मान एक बार बढ़ता जाता है, फिर कम होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, फिर कम होगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक वृत्त बन जाता है, आधा इसका और आधा नीचे। तो एक वृत्त, एक सर्कल, एक साइकिल यहाँ तक बनता है आपका। तो वृत्त में धारा क्या होती है? I बराबर Q अपॉन T। T क्या है? इस एक सर्कल में, इस एक वृत्त में लगा समय, यानी आवर्तकाल। समीकरण एक, ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आया। अब 1/T को अगर आप फ्रीक्वेंसी आवर्ती लिख देते हैं, आवर्तकाल जो होता है वो आवर्ती का उल्टा होता है, तो दूसरा फॉर्मूला आपके पास I बराबर क्यू इंटू एफ, यानी आवर्ती का आ जाता है। इसी तरह से आवर्तकाल क्या होता है? ये समय है। एक समय का मतलब होता है दूरी बटे चाल। तो एक चक्कर में कितनी दूरी ले रहा है? आधा सर्कल ऊपर आधा नीचे, यानी पूरा वृत्त बन गया। एक वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr अपॉन चाल कितनी है? वी मान रखी है आपने। तो क्या हुआ? आवर्तकाल का फॉर्मूला ही निकल के आया, ये मान इसमें रख देंगे तो तीसरी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। यानी विद्युत धारा के तीन फॉर्मूले हो गए, क्यू अपॉन टी, क्यू इंटू एफ एंड क्यू वी अपॉन 2πr। अब देखो विद्युत चालन का ये यहाँ तक पूरा होता है, ये आपको फेर में करना है। ये चीज़ समझनी है सिर्फ, ये जो ये चीज़ें हैं ये चीज़ समझनी है सिर्फ, ओके, फेर में नहीं करनी है। देखिए विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या कहता है? कि हर एक चीज़ छोटे छोटे कण से मिलकर बनी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं उन, है ना। और वो इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं? परमाणु के नाभिक के चारों तरफ होता है। तो जो बिल पास वाले, नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंधे रहते हैं, और जो दूर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से कुछ रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं थोड़ी सी ऊर्जा लेके। तो जो निकलते हैं उनको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन, और जो वहाँ पे बचता है वो होता है आयन। तो ये जो बड़ा वाला ये आयन है, छोटे वाले इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं मैंने। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, समझ में आ गई बात। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सपोज ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर ये रैंडम मोशन करते रहते हैं, चलते रहते हैं, गति करते रहते हैं, कभी इधर टकराए कभी इधर टकराए। तो इसका मॉडल यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में आयनों से टकराते रहते हैं। राइट, अब देखिए जिस वेग से टकराते हैं वो होता है ऊष्मीय वेग। अगर उनका ऊष्मीय वेग का आप औसत निकालते हैं अगर, तो एक वेग आपके पास आता है जिस वेग से वो एक दिशा में, जब आप उसको चलाओगे इलेक्ट्रॉन को विभवांतर देके, तो एक दिशा में जब वो चलेगा तो वो अनुगमन वेग से चलेंगे। अनुगमन वेग बहुत कम होता है, 10^-4 मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है। श्रांति काल क्या होता है? एक देखो इधर टकराया इधर टकराया, तो दो टक्करों के बीच में जो समय लिया गया है, तो कई इलेक्ट्रॉन का उसका एवरेज निकाल दो, वो श्रांति काल होता है। तो ये सारे टर्म्स PDF में आपको दे दी जाएंगे, उसको फेयर कर लेना। ओके, थैंक यू।